विपक्ष पीएम मोदी के जिस मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाता फिरता था, आज उसकी ये कामयाबी देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए करीब 4 साल पहले जिस मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसकी वजह से अकेले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए ही देश को 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये दावा देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की संस्था ICEA की तरफ से जारी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल आयात पर निर्भरता कम होने और घरेलू स्तर पर मोबाइल तैयार किए जाने व असेंबल किए जाने से ये फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान देश में खपत हुए कुल मोबाइल हैंडसेट का लगभग 78% हिस्सा विदेशों से आयात किया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक देश में कुल 120 मोबाइल बनाने वाली इकाइयां स्थापित हो चुकी है, जिनके जरिए करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 के दौरान देश में लगभग 22.5 करोड़ मोबाइल बने या असेंबल किए गए, जो देश में खपत हुए कुल मोबाइल फोन का 80% हिस्सा है। ICEA की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 तक भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कारोबार बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है और सालाना लगभग 29 करोड़ मोबाइल बनकर तैयार होंगे। इससे मोबाइल आयात में और 5-7% गिरावट आने की संभावना है। इतना ही नहीं, मोबाइल हैंडसेट के मामले में भारत लगभग आत्मनिर्भर होने के करीब है। ICEA की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बाजार लगभग 75,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा और लगभग 13 करोड़ मोबाइल बनेंगे।